त्वरित राज्य की शुरुआत, तीन राज्यों में तूफान की तबाही की खबर से बिहार, झारखंड और यूपी में आंधी तूफान की वजह से 33 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के गया, कटिहार, औरंगाबाद में आंधी तूफान से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यूपी के उन्नाव, रायबरेली में भी आंधी तूफान से काफी नुकसान पहुंचा है। बिहार में आंधी तूफान से सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में आंधी तूफान से 12 लोगों की जान चली गई है, जबकि यूपी में आंधी तूफान से 9 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड की राजधानी रांची में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, भीषण गर्मी से मिली राहत। झारखंड के कई जिलों में तेज आंधी, यूपी के उन्नाव में भी ओले गिरे। पूर्वी भारत में आंधी तूफान ने कहर ढाया है, तो उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी कहर ढा रही है। कल मध्य प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट खजुराहो में कल 48.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी तापमान 45 डिग्री के पार रहा। यूपी एसटीएफ ने मेरठ के कंकरखेड़ा के जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के दो इनामी बदमाशों को मार गिराया है। ये बदमाश पिछले महीने हाईवे पर लूट के बाद दुल्हन की हत्या में भी शामिल बताए जा रहे हैं। दोनों बदमाशों पर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। मारे गए बदमाशों के पास से कार्बाइन पिस्टल और भारी तादाद में कारतूस बरामद किए गए। यूपी के इलाहाबाद में सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद उसके नाराज साथियों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए छात्रों ने रोडवेज बस को आग के हवाले कर दिया, जबकि कई दूसरे वाहनों पर पथराव कर उसमें तोड़फोड़ की। जिस बस से कुचलकर छात्र की मौत हुई, वो उसी में सफर कर रहा था। किराए को लेकर उसकी कंडक्टर से कहासुनी हुई, जिसके बाद उसे बस से उतरना पड़ा था और बाद में इसी से कुचलकर छात्र की मौत हो गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस के नाम पर राजपूत संगठनों और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने खुलेआम हथियार लहराए। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। यूपी के आगरा में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। कानून हाथ में लेकर कार्यकर्ताओं ने मूर्ति तोड़ने के आरोप में एक शख्स को बुरी तरह पेड़ से बांध कर पीट डाला, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शख्स पर शाहगंज इलाके में राधा कृष्ण मंदिर में रखी हनुमान की मूर्ति तोड़ने का आरोप था। केरल के कोट्टायम में लव मैरिज करने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई। कोट्टायम के केविन जोसेफ ने 2 दिन पहले ही नीनू चाको नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। आरोप है कि नीनू के परिजनों ने युवक का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल हो गए हैं। शोपिया जिले में तुरकाव गांव के पास आतंकी पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही सेना की गाड़ी वहां से गुजरी, आतंकियों ने उस पर आईईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने बैंक से कैश और हथियार लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों ने अनंतनाग के बिजहेगड़ा इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाखा में हमला करते हुए करीब 1,80,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। इस दौरान आतंकियों ने बैंक के गार्ड से 12 बोर की राइफल भी लूटी है। हरिद्वार में पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस को लेकर उत्तराखंड और यूपी सरकार में फिर तनातनी हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरिद्वार में अपने गेस्ट हाउस को उत्तराखंड को सौंप दिया था, लेकिन कल गेस्ट हाउस के नए भवन का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया, तो यूपी का राजस्व विभाग फिर इस पर अपना दांव ठोक रहा है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद से ही यूपी और उत्तराखंड में कई संपत्तियों के बंटवारे पर विवाद चल रहा है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने बंगला खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने के अंत तक बंगला खाली करने को कहा था। यूपी के कैराना लोकसभा उपचुनाव में महज 54% मतदान। भीषण गर्मी और कई जगह ईवीएम में खराबी से कम रहा मतदान। 31 मई को आएंगे नतीजे। बीजेपी की मृगांका सिंह और आरएलडी एसपी की संयुक्त उम्मीदवार तबस्सुम हसन के बीच है टक्कर। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के मुताबिक बिजनौर जिले की नूरपुर विधानसभा में 61% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने माना नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में 29 ईवीएम खराब हुए थे, जिन्हें वक्त रहते ठीक कर लिया गया या बदल दिया गया था।
यूपी और महाराष्ट्र में लोकसभा उपचुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हुई ईवीएम में गड़बड़ियों की शिकायत। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर राम गोपाल यादव, चौधरी अजीत सिंह और कांग्रेस के आरपीएन सिंह ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे और कैराना की बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई। कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग की व्यवस्था ध्वस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम में खराबी नहीं देखी। मृगांका ने कहा 100 से ज्यादा जगहों पर ईवीएम खराब हुए हैं। महाराष्ट्र के पालघर और गोंदिया भंडारा लोकसभा उपचुनाव में भी मतदाताओं ने की ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत। पालघर में 46% तो गोंदिया भंडारा में करीब 40% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी ने कम वोटिंग के लिए बीजेपी सरकार को घेरा। शिवसेना के संजय राउत और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने ईवीएम पर उठाए सवाल। केरल में मानसून की बारिश के बीच कल मतदाताओं ने जमकर उत्साह दिखाया। केरल की चेंगनूर विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड 76% मतदान हुआ। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने भी दिखाया उपचुनाव में उत्साह। नागालैंड की लोकसभा सीट पर उपचुनाव में 70% वोटिंग हुई। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने लोकसभा से इस्तीफा देने की वजह से खाली हुआ था, इसीलिए उपचुनाव भी हो रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी कल यानी बुधवार को किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करेंगे। सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद कर्नाटक रवाना होने से पहले उन्होंने यह ऐलान किया। दिल्ली में मोदी से काफी गर्मजोशी से मिले कुमारस्वामी। कर्नाटक के सीएम ने पीएम मोदी को टोपी और माला पहनाई। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट का कॉपर प्लांट हमेशा के लिए बंद होगा। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ओ पनीरसेल्वम ने कहा और यह ऐलान किया। स्टरलाइट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन में 14 लोगों की मौत हो गई थी। अब जीरा आलू की ऐसी रेसिपी की खबर जो आपकी जेब और जायका दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। आलू महंगा हो गया है तो बाजार में जीरा नकली बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ने की वजह से खुदरा मंडी में आलू के दाम 5 से 7 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं। तेल के भाव बढ़ने की वजह से ढुलाई का किराया बढ़ गया है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आलू 25 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। राजस्थान के जोधपुर में खाद्य विभाग ने छापा मारकर मंडी में बिकने आया नकली जीरा जब्त किया है। सीमेंट और रसायन से बना नकली जीरा किसी तरह खुलेआम मंडी में बिक रहा है। इस पर एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ में दिखाया गया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पीने के पानी की किल्लत को लेकर शिमला में कल जोरदार प्रदर्शन हुआ जिसमें बार एसोसिएशन से जुड़े वकील भी शामिल हुए। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस 1 जून से 30 जून तक केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है। इस दौरान कांग्रेस नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर पानी की समस्या उजागर करेंगे। मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अल्लापुझा, कोझिकोड और कोची समेत केरल के कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी मानसून सामान्य रहने का अनुमान है। आज शाम 4 बजे CBSE 10वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। करीब 16 लाख बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी है। CBSE 10वीं के परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.nic.in पर जारी किए जाएंगे। CBSE के 12वीं के नतीजे 26 मई को ही घोषित हो चुके हैं। CBSE 2018 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में दुनिया भर से 28 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।